जरमुंडी थाना के झंतपुर पुल के समीप ऑटो पलटने से एक वृद्ध की मौत हो गई और करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। ऑटो सवार सभी लोग बंगाल में काम करते थे। लॉकडाउन की वजह से काम बंद होने के बाद ये लोग पैदल ही बंगाल से देवघर के लिए चल दिए। जरमुंडी में ऑटो मिला जो कुछ दूर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मृतक देवघर के सिरसा गांव का रहने वाला बताया जाता है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया है और घायलों का इलाज किया जा रहा है। दुमका से कुणाल शांतनु। हम लोग पैदल आ रहा था इधर से, जब जरमुंडी क्रॉस किया हम आपको जी बोला चेक करेंगे हम लोग का, बोला बोल नहीं होगा आप लोग चला जाइए सोनरा ठाड़ी में चेक आप लोग चेक होगा बोल। तो हम लोग पैदल पैदल आ रहा था, ये टोटो बोला आ रहा था ये बोला ऑटो बोला चलिए हम लोग लेके जाएंगे, बोला हाँ चलिए लेके जाएंगे, बोल 900 रुपया लेंगे, 900 नहीं देंगे 500 देंगे, बोल नहीं होगा बोल, बोली तब जाइए तब, ये बोला 700 देंगे, बोले चलिए तब 700 तो 200 कम हो गया, चलिए हम लोग चेक चले जाते। तो हम लोग सब चेक के चला आया, भैया दरुआ पिया था क्या पिया था, ये गाड़ी पूरा पिकअप में आ रहा था, पहले सोलो चला पड़ता था, अरे हमको उम्र बहुत हो गया बोल, गाड़ी चलाते चलाते मेरा वयस हो गया बहुत बोल, कहीं हम दिन चक्कर नहीं खाएं बोल। तो हम लोग बैठिए ना चुपचाप शांति मार के बोल, तो हम लोग बैठ गए चुपचाप मार के, ठीक ही चला रहा यहाँ पर, यहाँ के यही ये घटना कर दिया सर।